तो करंट अफेयर्स के आज के अंक पे हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिनमें से पहला करंट अफेयर्स आपका भूटान के जो राजा हैं। भूटान में आपको पता है हमारा जो है पड़ोसी देश है भूटान, और सबसे ज्यादा लॉयल कंट्री के तौर पे आप देख सकते हैं। भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है, और भारत एक गार्जियन कंट्री के तौर पे भूटान की पूरी तरीके से सहायता करता है, मदद करता है। तो भूटान में अभी भी राजशाही है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो भूटान के आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भूटान के राजा हैं ये, भारत आए थे अभी, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, ठीक है। इनका नाम है जिम्मे खेसर न्यामचाल वांगचुंग। तो हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके निमंत्रण पर ये भारत आए थे 3 से 5 अप्रैल 2023 को। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय ऐसी कोई भी यात्राएं, राजकीय यात्राएं होती हैं, आपको इस पे जरूर नजर रखनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन है। तो जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग महोदय जो है, जो भूटान के राजा हैं, भारत आए थे, ठीक है। अब इस यात्रा में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तो देखिए, जैसा कि हम भूटान को अपना एक गार्जियन स्टेट की भूमिका हम निभाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान के सामाजिक, आर्थिक और जो हमारा समर्थन है उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट पे, उस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिबद्धता है उसको बार बार दोहराया और कहा कि हम लगातार भूटान की मदद करते रहेंगे, भूटान को जो ऋण मुहैया कराने की प्रवृत्ति है उसको रेगुलर देते रहेंगे। और भूटान की मदद, हम कोई ऋण ऐसे नहीं देते, बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान के तौर पे भी भूटान को हम अपनी सेवाएं और सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और साथ ही एक जो है एकीकृत, एक जो है पोस्ट बनाने की भी बात कही है। सीमावर्ती एक गांव है जय गांव, जय गांव के पास पहली जो है एकीकृत चेक पोस्ट बनाने की भी सहमति दर्ज हुई है, जिसमें भारत और भूटान दोनों मिल करके ही उस पूरे क्षेत्र की रक्षा करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि भूटान पर चीन की टेढ़ी नजर रहती है, चीन हमेशा से जो है भूटान को जो है इन्वेट करना चाहता है, उसके दिमाग में चलती रहती है खुराफात, और कई बार जो है उसने प्रयास भी किया है। तो ऐसे में लगातार ऐसी राजकीय यात्राएं और भारत के साथ जिस तरीके के संबंध है भूटान के, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। प्रथम पड़ोसी की नीति के तहत हम भूटान को हमेशा रखते हैं, हमारा सबसे सहयोगात्मक, सबसे लॉयल पड़ोसियों में से भूटान एक है। तो भूटान के राजा भारत आए थे, जिनका नाम है जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, ध्यान रखना इस बात को। और ये 3 से 5 अप्रैल 2023 को आए थे, ठीक है, और यहां पर इनकी मुलाकात हुई थी। तो एक ये आपको इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए, एक करंट अफेयर्स आपका और इंपॉर्टेंट है, और हाल ही में जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र में लगातार भारत जो है एक महत्वपूर्ण देश के तौर पे, अग्रणी देश के तौर पे हमेशा रखा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ठीक है, एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के ही निकाय के तौर पे है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक निकाय, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का है आपका, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक निकाय, इसी का ही जो है एक जुड़ा, इसकी एक संस्थाएं हैं। जैसे कि एक आपका है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, एक तो ये है आपका नंबर एक। नंबर दो पे यदि हम जाएं तो नंबर दो आपके दो और साथी हैं, एक भारत जो है मादक पदार्थ रोकथाम आयोग पे भी जुड़ा है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग। और नंबर तीन में आपकी जो है वो है आपकी
मादक पदार्थ और साथ में संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की इनिशिएटिव है और इनके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। तो भारत जो है इनका सदस्य चुना गया है इन तीनों कार्यक्रमों का, तीनों ही लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग का और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम का, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये तीनों समन्वय बोर्ड है जिनका भारत सदस्य चुना गया है। अब देखो जो सांख्यिकी आयोग है ये अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो ये सांख्यिकी के क्षेत्र में जो इससे जुड़े हुए मानक हैं उन मानकों को निर्धारित भी करती है, साथ ही उन मानकों को लेकर के कितनी पूर्ति की जाती है उसकी निगरानी भी करती है। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ये यूनाइटेड नेशन में विश्व की सर्वोच्च संस्था है, भारत यहां से जुड़ चुका है। यूनाइटेड नेशन मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, ये आपको पता है कि मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जो है ये अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संस्थान है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं उनको यहाँ पर लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी एक आपकी बहुत महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे है, ठीक है। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन एचआईवी एड्स कार्यक्रम, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो एचआईवी एड्स को रोकथाम को लेकर के जितनी भी समन्वयक संस्थाएं हैं उनको इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, भारत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इन संस्थाओं से जुड़ करके, भारत चूंकि देखिए मादक पदार्थों को लेकर के भी हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, ठीक है। और ये जो कार्यकाल प्रारंभ होगा 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा इन सबका, 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा, ठीक है, इनमें कार्यकाल। और ये अप्रैल मतलब 2023 में भारत को घोषित किया गया है, पिछली बार मतलब एक बार और बन चुका है 2004 में बन चुका है सांख्यिकी आयोग को लेकर के, तो ठीक है अब इस बार अगेन भारत को बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है तीन बड़े जो कोऑर्डिनेशन जो है बोर्ड हैं इन बोर्ड में यूनाइटेड नेशन में भारत भी हिस्सा बन चुका है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते रहते हैं हमारे, संयुक्त सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सभी को, बस अब क्लास पे लग जाइए फिर इसके बाद बात करेंगे। चलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, एक सैन्य अभ्यास होता है स्लीनेक्स, ठीक है, स्लीनेक्स 2023 अभी आपका हुआ है, और स्लीनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका की जो नौसेना है, नौसेना का अभ्यास जो होता है इसको हम स्लीनेक्स बोलते हैं। ये देखो सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछता है आपको, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पड़ोसियों के साथ में वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी हैं जैसे अमेरिका के साथ लड़ते हैं मालाबार अभ्यास, मालाबार बहुत सारे युद्ध प्रहार, ये आपका देखिए ये नौसेना से जुड़े हुए जो है सैन्य अभ्यास है। तो इसमें भारत और श्रीलंका इन दोनों की नौसेनाओं का ये 10वां संस्करण था, 3 से 8 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ था ये, 3 से 8 अप्रैल 2023 को यह आयोजित हुआ स्लीनेक्स 2023। स्ली ये शुरू से आपको देखिए इससे श्रीलंका आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्लीनेक्स आपका श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है, कहाँ हुआ था, कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था, उसके तटीय क्षेत्रों में और डीप ओशन में दोनों में इसका जो है आपका। तो इस अभ्यास में जो है चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर समुद्री पेट्रो एड्रोकाफ इनका प्रयोग जो है किया गया था, कई सारे एयरक्राफ्ट यूज किए गए थे और साथ ही चेतक हेलीकॉप्टर इनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और 3 दिनों तक ये पूरा का पूरा अभ्यास चला था दोनों सेनाओं के बीच में, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, बहुआयामी समुद्री संचालन करने के लिए, समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, ठीक है। तो स्लीनेक्स आपका भारत श्रीलंका के बीच में नौसेना के बीच में होने वाला, नौसेना के बीच में होने वाला आपका क्या है, आपका सैन्य अभ्यास है। जहां पे देखिए समुद्री सीमा लगती है वहां पर जो है ये सैन्य अभ्यास थल सेना के साथ भी होते हैं, बट रफली आपको ये आइडिया रखना चाहिए। तो एक तो आपका स्लीनेक्स हो गया, दूसरा संयुक्त राष्ट्र में भारत सदस्य बन चुका है, इसके बाद तीसरा ये मैंने आपको बता दिया भूटान के जो राजा हैं वो भारत आए थे। चलिए अगला चलते हैं, देखिए पासपोर्ट को लेकर के कई सारे सूचकांक निकलते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट को लेकर के एक व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर रैंकिंग की जाती है, व्यक्तिगत मतलब किसी देश का यदि पासपोर्ट आपके पास है तो उसकी क्या पावर है, व्यक्तिगत
पासपोर्ट, पावर, रैंकिंग। ऐसे देखें तो विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट आपका कहाँ का है? आप सभी जानते हैं जापान का है। जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है आपका। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, एक ये दूसरी रैंकिंग है आपकी, लिख लीजिए व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग, ये 2023 की है आपकी। अब इसके तहत, इस रैंकिंग के तहत किया क्या जाता है, ये रैंकिंग मतलब एक तरीके से कोई देश जो है, मतलब वीजा मुक्त यात्रा की, जिसके पास मतलब किसी देश का, किसी हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी देश का पासपोर्ट हो सकता है, तो किस देश का कोई व्यक्ति कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। देखिए, जब हमें किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है तो वीजा लेना पड़ता है, वीजा वहां की गवर्नमेंट देती है, और एक तरीके से मान के चलिए कि एक अनुमति होती है, लीगल अनुमति होती है, बिना वीजा के आप नहीं जा सकते। पासपोर्ट तो एक तरीके से किसी दूसरे देश जहां से आप हैं वहां की नागरिकता को लेकर के आपके सभी प्रश्नों का जवाब है। ठीक है, कि आप वहां के नागरिक हैं, आपकी एक पहचान है। लेकिन वीजा क्या है, वो देश जहां पे आप जाना चाहते हो आपको अनुमति दे रहा है आने की, ये जो है, और उसका एक टेन्योर होता है। तो कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो वीजा मुक्त यात्रा भी कई सारे कंट्रियों को अलाउ करते हैं, या वीजा ऑन अराइवल की बात भी करते हैं, कि जैसे ही आप उस देश में पहुंचेंगे वैसे ही आपको तुरंत वीजा मिल जाएगा। ई वीजा भी मिलता है, मतलब ये सारी चीजें हैं आपकी, वीजा मुक्त यात्रा भी है, कई सारे कंट्री ये दर्जा एक दूसरे को देते हैं कि वीजा मुक्त यात्रा करवाएंगे, कई सारे कंट्री जो है वीजा ऑन अराइवल की बात करते हैं, कई सारे कंट्री आपकी ई वीजा की बात करते हैं। वीजा समझ गए आप? तो आपको यदि एक मैं डेटा दे रहा हूं, सबसे ज्यादा यदि किसी व्यक्ति के पास संयुक्त अरब अमीरात के जो देश है, यूएई है आपका, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसमें रहने वाले जितने लोग हैं जिनके पास यूएई का वीजा है, ये लोग 180 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। 180 देशों ने, मतलब नंबर एक पे यूएई है सबसे ज्यादा, मतलब लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा मोबिलिटी इसी की है। भारत की तो बहुत बुरी स्थिति है अभी, मैं भारत की भी बात करता हूँ, सबसे ज्यादा मोबाइल कंट्री कौन सी है, कि यहाँ मतलब किसी के पास यूएई का पासपोर्ट है यदि, तो यहाँ के लोग जो है 180 से ज्यादा देशों को में जा सकते हैं, यहाँ पर वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? वीजा की जरूरत, फर्स्ट रैंक, वो हेनले रिपोर्ट आपकी अलग है, मैं जापान की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, वो मोस्ट पावरफुल इसलिए क्योंकि जापान की जो एक तरीके से छवि है, देखो वीजा क्या करता है ना, एक तरीके से वो पासपोर्ट एक देश के नागरिकों की छवि होती है, कि कैसे मतलब देश के वो पासपोर्ट से ही पता चल जाता है कि अच्छा भारत का पासपोर्ट है, अच्छा जापान का पासपोर्ट है, तो वो जो है पावर अलग है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वीजा मुक्त यात्रा कितनी हो सकती है, तो वीजा मुक्त यात्रा में आपका संयुक्त अरब अमीरात 180, यदि इसका पासपोर्ट धारक आप हैं तो 180 देशों में आप मोबाइल कर सकते हैं, जा सकते हैं, मोबाइलिटी स्कोर इसका 180 है। फिर दूसरे नंबर पे स्वीडन आता है आपका, स्वीडन, स्वीडन का 173 है आपका। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जर्मनी है, जर्मनी का भी 173 है, जर्मनी का भी 173 है, यह स्कोर है आपका। टॉप थ्री में ये कंट्री है, इसके बाद फिनलैंड, लग्जमबर्ग, वो देश तो आ ही जाते हैं आपके। अब भारत की बात करते भैया, भारत का यदि हमारे पास पासपोर्ट है तो भारत के पासपोर्ट की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है। 2023 में भारत के पासपोर्ट की स्थिति अभी 142वें नंबर पे है भाई, हम 142। अब मुझे समझ में नहीं आता है, रैंकिंग में इतने पीछे रहते हैं, कई बार बहुत दुख होता है। 70 देशों में हम जा सकते हैं अभी, तो बहुत अंतर है, यूएई 180 देश, कहाँ हम 70 देश, तो 142वें नंबर पे हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा कम हो गया, 2022 में यही स्कोर लो 138 था। 73 देशों में वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री या ई वीजा, इन सब की सुविधा भारत के पासपोर्ट को। समझ गए भाई, समझ गए ये वाला करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपका है व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर रैंकिंग इंडेक्स। ठीक है, यूएई जो है आपका 180 देश है आपके वीजा मुक्त, और स्वीडन 173, जर्मनी 173, और बाकी जो बात करें कि वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो जापान का है भाई, जापान का सबसे पावरफुल है, जापान के लोग 193 के 193 देश जा सकते हैं, कोई बैन नहीं कर रखा गया, जापान के लोग विश्व में सभी देशों में जा सकते हैं, हर देश के द्वारा उनको जो है अलाउ कर दिया गया है,
तो विश्व का सबसे पावरफुल जो वीजा है आपका जापान का है, और दूसरे नंबर पे सिंगापुर का है, 192 देशों में जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये आपका साउथ कोरिया है, ये भी 192 देशों में जा सकते हैं। कई सारे कंट्रीज जो है अलाउ नहीं करते हैं, तो ये आप एक, ये दूसरा डेटा है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आपकी आती है, उसी रिपोर्ट के तहत ये आपको दिया गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये आपकी रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। क्लियर है वीजा? दो दो ये महत्वपूर्ण आपके पास मतलब होनी चाहिए जानकारी, कभी पूछ लेता है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ये एक जो है कांग्रेस हुई थी, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, वैक्सीन को लेकर के। आपको पता है कि इस समय वैक्सीन कितना ज्यादा चर्चा में रही है, जब से COVID-19 आया है तो वैक्सीन वैक्सीन ही बात हुई है। तो 3 से 6 अप्रैल के बीच में, 6 अप्रैल 2023 को जो है आपकी ये वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन हुआ था वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में हुआ है आपका, वाशिंगटन डीसी में हुआ है आपका आयोजन, विश्व वैक्सीन कांग्रेस, विश्व वैक्सीन कांग्रेस, 3 से 6 अप्रैल वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ है। अब यहां पे क्या है, ये एक तरीके से वैक्सीनों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जो बुनियादी शोध से वाणिज्यिक उत्पादन तक वैक्सीन वैल्यू चेन को कवर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी में वैक्सीन पर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि बुनियादी शोध से वाणिज्यिक उत्पादन तक वैक्सीन वैल्यू चेन को कवर करता है। तो इस कार्यक्रम में भारत की जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है, भारत बायोटेक, ठीक है, इसको वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है। भारत बायोटेक को, ये जो संस्था है आपकी भारत बायोटेक, इसको एक अवार्ड मिला है, इसमें वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार, VIE, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार इसको मिला है। किस लिए मिला है? बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से भी इसको भेजा, मतलब कि सबसे बेस्ट प्रोडक्शन करना, इन सब चीजों के लिए किया गया। भारत बायोटेक आपकी कहाँ पे अवस्थित है कंपनी? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, हैदराबाद में। तो विश्व वैक्सीन कांग्रेस हुई थी वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, और जो है इसका अल्टीमेट गोल है कि वैक्सीन पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहे, जो बुनियादी शोध को लेकर के, वाणिज्यिक उत्पादन को लेकर के और वैल्यू चेन को लेकर के इससे जुड़ी हुई बातों को डिस्कस किया जाए। तो भारत बायोटेक को अवार्ड मिला है, वैक्सीन जो है इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है, और बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1996 में जो है आपकी इसकी स्थापना हुई थी, हैदराबाद में है भारत बायोटेक, ठीक है। आपको कोविड में जो कोवैक्सीन है, इसी के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं भाई। देखो HDFC बैंक के बारे में सब जानते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि HDFC बैंक का जो है बैंक अकाउंट भी यूज करते हों। तो HDFC बैंक जो है पहला बैंक बन गया है जिसने UPI को रुपए कार्ड से जोड़ दिया है। देखो UPI और रुपए दोनों को लिंक कर दिया है, रुपए कार्ड और UPI दोनों को लिंक कर दिया है एक साथ, ठीक है, UPI और रुपए कार्ड को आपस में लिंक कर दिया है। तो HDFC बैंक भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है जिसने अपने ग्राहकों के लिए UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक करने की सुविधा प्रदान कर दी है। मतलब कि UPI ऐप के माध्यम से आप जो, ये जैसे क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए 2 लाख रुपया है आपके, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड बन गया, या आपको जो भी क्रेडिट कार्ड बना, 10,000, 15,000, 20,000 से लेके जो भी लिमिट मिली, तो आप अपने UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट टाइम ये ऐसी फैसिलिटी मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला निजी बैंक बना है। क्या बना है? भारत का पहला निजी बैंक है आपका HDFC, HDFC जिसने रुपे कार्ड को UPI से जोड़ दिया है। इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसी पेमेंट कर सकते हैं? कि आप ऐसी पेमेंट कर सकते हैं कि जो भी आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा है UPI के थ्रू उसकी पेमेंट को कर सकते हैं। तो दोनों इंटरलिंक कर दिए गए हैं, और आपको पता है HDFC बैंक निजी क्षेत्र का बेहतरीन बैंकों में से एक है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, 1994 पे, और वर्तमान में इसके जो प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर
शशिधर जगदीशन, वो इसके एचडीएफसी के क्या है, सीईओ है। कौन है? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो यूपीआई के बारे में आप जानते हैं, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, और एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से मोबाइल इंटरनेट के द्वारा एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दिन भर पैसा ट्रांसफर करते हो आपको, और इसकी जो पहल की गई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई प्रारंभ किया गया। एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई इसके द्वारा पहल अप्रैल 2016 में प्रारंभ की गई थी, नोटबंदी से थोड़ा सा पहले। तो जब से यूपीआई आया है, क्रांति आ चुकी है। और आपको शायद पता हो, सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है फोन पे से। फोन पे नंबर एक में है, फिर पेटीएम है आपका। ठीक है, नंबर एक पे फोन पे है, फिर पेटीएम है। ये जो है आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन का जो डेटा है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है, एचडीएफसी आपका जो है निजी बैंक का पहला बन चुका है ये आपका, जिसने यूपीआई को रुपए कार्ड से लिंक कर दिया है, क्रेडिट कार्ड को किया इसने। दूसरा आपका विश्व वैक्सीन कांग्रेस हुई थी आपकी, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस अप्रैल में अभी हुई है, और भारत बायोटेक को इसमें अवार्ड मिला है। इसके बाद मैंने आपको ये दो इंडेक्स बताए पासपोर्ट को लेकर के, जिसमें से व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर रैंकिंग में यूएई नंबर एक में है, भारत की स्थिति 142 नंबर पे है। ठीक है, और इसके बाद जो ये हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट है, इसमें जापान नंबर एक में है, 193। इसके बाद ये भूटान के राजा थे जो कि भारत आगमन पे आए थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद दूसरा है ये भारत जो है स्टैटिकल जो कमीशन है, सांख्यिकी जो यूनाइटेड नेशन का सांख्यिकी आयोग है उसका सदस्य बन गया है, साथ यूनाइटेड नेशन मादक पदार्थ का आयोग का सदस्य, और यूनाइटेड नेशन एचआईपी कार्यक्रम का सदस्य, इन सबका बन चुका है। और ये आपका जो है स्लीनेक्स 2023 का है, इसमें श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी हुई है, नौसेना की एक्सरसाइज हुई है स्लीनेक्स, इसके बारे में भी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए आज के टॉपिक थे। टोटल हमने कितने टॉपिक कर लिए? टोटल लगभग 5-6 टॉपिक आपके हो गए। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बस इसको रिवाइज करते जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स ऐसे ही याद होती जाएगी। पर डे 5 करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, 5 करना है बस, 5 करना है। ठीक है, चलिए।